नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चैप्टर 5th, 6th, 7th, 8th, 12th का जो सिलेबस है उसको लेकर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे आज हम लोग, और कल से हम लोग प्रत्येक चैप्टर का पढ़ाई शुरू करेंगे। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, बहुत ही बढ़िया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जो एक महान वैज्ञानिक थे, महापुरुष थे, तो उनका लिखा हुआ अदम्य साहस। उन्होंने उस किताब में बच्चों के महत्व को बताते हुए हम नागरिकों से कुछ शपथ लेने की बात कही। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कहा था, और हो सके तो हम इन नियमों का पालन करें। बच्चे हमारी अनमोल दौलत हैं, बच्चे हमारी अनमोल दौलत हैं। हम शिक्षित बनाने और आगे बढ़ाने में लड़के और लड़की को समान महत्व देंगे। स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए हम अपने परिवार का आकार छोटा रखेंगे। कठिन परिश्रम से धन अर्जित किया जाता है, इसे हम जुआ और शराब में बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताएंगे कि शिक्षा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के सहारे बच्चे सफल होते हैं। हम सामूहिक रूप से अपने वनों की रक्षा करेंगे तथा प्रदूषण को दूर करेंगे। हम कम से कम 5 पेड़ पौधे लगाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल साबित होंगे। तो डॉक्टर APJ कलाम के ये महत्वपूर्ण विचार, उन्हीं के साथ मैं आज शुरू कर रहा हूँ बच्चों, हिस्ट्री का 5th चैप्टर। बच्चों, 5th चैप्टर में हम लोगों को भारत और औपनिवेशिक राज्य का प्रशासन, गवर्निंग द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं हमारे देश में ब्रिटिश शासन चला, तो ब्रिटिश शासन के समय में समय समय पर बहुत सारे कानून, बहुत सारे एक्ट बनाया गया भारत में शासन व्यवस्था के सुधार के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ 1935, ए टूल्स फॉर लिमिटिंग फ्रेंचाइज, इंट्रोड्यूसिंग कम्युनल इलेक्टोरेट्स, मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड ब्रिटिश हेजेमोनी। 1935 के जो कानून बना, जो एक्ट बना, उसके द्वारा जो भारत के लोगों को सीमित मतदान का अधिकार दिया गया। बहुत सारे सांप्रदायिक योजनाओं की शुरुआत हुई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। द स्टेट म्यूनिसिपलिटी मशीनरी फॉर सप्रेसिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल द राउलट एक्ट एंड मिलिट्री पुलिस कंट्रोल। बच्चों, जैसे जैसे देश में आज़ादी के आंदोलन बढ़ी, ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, दमनात्मक कानून बनाए, प्रशासन और पुलिस और मिलिट्री का उपयोग किया। तो ऐसे बहुत सारे कानून बनाए, उन कानूनों के बारे में हम पढ़ेंगे जो हम भारतीयों को दमन किया जाता था, जैसे कि राउलट एक्ट, जिस कानून के द्वारा भारतीयों को दमन किया जाता था। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जलियांवाला बाग हम लोग सब जानते हैं, हमारे कितने आदमी वहाँ शहीद हुए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जो इंसिडेंट जलियांवाला बाग में हुआ था उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और भारत में साम्यवादी आंदोलन भी चला, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, विदेशी भी शामिल हुए। तो मेरठ में इनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी केस चला था, ब्रिटिश सरकार ने चलाया था, मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और बच्चों, ब्रिटिश साम्राज्य का जो आधार था, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये सिलेबस में है हम लोग का। यूजिंग कम्युनिटी कास्ट परसीव्ड एथनिक ग्रुपिंग टू डिवाइड एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एग्जाम्पल सपोर्टिंग द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग, द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, इंटरफेयरिंग इन कास्ट पॉलिटिक्स सच एज द टेम्पल इंटायर इशू। बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, और केवल धर्म के क्षेत्र में नहीं, यहाँ पर जो भी मतभेद उनको दिखाओ, उन मतभेदों को उन्होंने उभारने का चेष्टा किया और भारत की एकता को खंडित करने का प्रयास किया है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या चेष्टा किया इसको बढ़ावा देने के लिए, साम्राज्यवाद के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई, मुस्लिम लीग को किस तरह उन्होंने प्रोत्साहन दिया उनके डिमांड्स को, और कास्ट पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर 5 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों, भारत में डायरेक्ट ब्रिटिश का शासन एक जगह था और एक देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतें और ब्रिटिश सरकार के बीच में कैसा संपर्क था यह हम लोग को पढ़ना होगा। और जो ब्रिटिश सरकार का इकोनॉमिक पॉलिसी था 1914 से 1945 तक, इसको हम लोग को पढ़ना होगा, उनका आर्थिक नीति क्या था, विशेष करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय तक।
हाई टैक्सेशन इवन इन फैमिन कंडीशन, जब अकाल पड़ रहा था गुजरात में, बंगाल में, उस समय उन्होंने टैक्सेशन को और बढ़ाया, उनकी इस नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो औपनिवेशिक शासन में भारत किस प्रकार चला था, किस प्रकार का शासन प्रणाली था, गवर्निंग द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया, चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसको। चैप्टर 6 में हम लोग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कॉलोनीज, द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेश, हम लोग जानते हैं विश्व के अनेक देशों में उपनिवेश था, फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते समय क्या हुआ, तो ये हम लोग को देखना होगा। विशेष करके भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे तो 1940 से 1946 तक में क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या आंदोलन हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लिनलिथ को ऑफर, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, द इंडियन रिस्पॉन्स एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का जो महत्वपूर्ण एक आंदोलन था, सुभाष चंद्र बोस जो हमारे बहुत ही बड़े नेता थे, उन्होंने आईएनए में उनका योगदान, फिर आईएनए ने जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई किया तो आईएनए के जो सिपाही थे उन लोगों पर जो मुकदमा चला, ट्रायल्स चला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन जो भारत आई थी, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, माउंटबेटन का योजना क्या था, माउंटबेटन ने समझौता के लिए क्या प्रयास किया, और माउंटबेटन अवार्ड, ट्रांसफर ऑफ पावर, भारत में शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे बच्चों। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जापान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक नारा चला था बच्चों, एशिया फॉर एशियंस, एशिया फॉर एशियंस, तो इसमें जापान की भूमिका, चाइना की भूमिका, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और यूरोपीय प्रभाव का बहुत सारा चीज़ साउथ ईस्ट एशिया में परिवर्तन हुआ, तो इंडो चाइना में क्या परिवर्तन हुआ, इंडोनेशिया में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित इंडिया में जो सुधार हुआ उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का जो युग चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1991 तक, कोल्ड वॉर का जो युद्ध चला, शीत युद्ध जो अप्रत्यक्ष युद्ध था दो महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, विभिन्न गुटों का निर्माण, विभिन्न सैनिक गुटों का निर्माण, दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप, लेकिन डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं लड़े, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है शीत युद्ध के टाइम में। तो शीत युद्ध का सैद्धांतिक आधार क्या था, थ्योरेटिकल बेसिस क्या था, शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, मार्शल प्लान क्या है, शीत युद्ध के दौरान जो रशिया और सोवियत संघ और अमेरिका ने विभिन्न सैनिक गुट बनाया था, उन मिलिट्री अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, बर्लिन संकट के बारे में पढ़ेंगे, कोरिया और वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ शीत युद्ध के कारण जो हथियारों का होड़ चला बनाने का, परमाणु अस्त्र का भंडार करने का जो होड़ चला अमेरिका और सोवियत संघ में, उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ पीस मूवमेंट, हथियार को कम करने के लिए किस तरह से शांति का एक इनिशिएटिव भी लिया गया उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इस शीत युद्ध के दौर में बच्चों जो डेवलप देश थे, कोई अमेरिका के पक्ष में गया, कोई सोवियत संघ के पक्ष में गया, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो अभी आज़ाद हुए, जैसे हमारा देश भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देश ऐसे थे जो अभी अभी औपनिवेशिक स्वतंत्रता से और लोग उपनिवेश से मुक्त हुए थे, तो ऐसे देश कहाँ जाएंगे, ना तो वो अमेरिका के पक्ष में गए, ना तो सोवियत संघ के पक्ष में गए, उन्होंने अपना एक अलग से पक्ष बनाया, गुट निरपेक्ष, जिसको नॉन अलाइनमेंट बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका कॉन्फ्रेंस जो पहला कॉन्फ्रेंस, दूसरा कॉन्फ्रेंस, तीसरा कॉन्फ्रेंस था बांडुंग कॉन्फ्रेंस, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो एक मूवमेंट था उसका इवोल्यूशन हम लोग करेंगे। उसके बाद बच्चों अरब वर्ल्ड, तो आप लोग जानते हो तेल का भंडार अरब वर्ल्ड, उस अरब वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इसराइल नामक एक नया देश की उत्पत्ति कैसे हुई, और ऑयल डिप्लोमेसी बहुत ही दुनिया में प्रचलित ये शब्द ऑयल डिप्लोमेसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चाइना के बारे में बच्चों, जब चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में, तो किस तरह से ये आगे बढ़ा, इसका उत्थान हुआ, और विश्व राजनीति में इसने अपना एक जगह बनाया, स्थान बनाया, चाइना जो सुरक्षा परिषद का आज एक सदस्य है उसका उत्थान कैसे हुआ, ये सारी बातें हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे बच्चों। तो चैप्टर 8 में बी औपनिवेशीकरण, इसको अन औपनिवेशीकरण भी बोल सकते हैं, डी कॉलोनाइजेशन बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था
उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद बहुत सारे देश इन उपनिवेशिक शासन से आज़ाद हो गए, मुक्त हो गए। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। तो जिस तरह से उपनिवेशवाद से आज़ाद होकर इन लोगों के हाथों में शासन आ गया, देश के लोगों के हाथों में शासन आ गया, ये उपनिवेश भी औपनिवेशीकरण है। तो इसमें हम लोग विभिन्न देशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अफ्रीका, अफ्रीका से एक देश लेंगे अल्जीरिया, उसका केस स्टडी करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया से एक देश लेंगे इंडोनेशिया, उसका केस स्टडी करेंगे। और साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में हमारा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैसे राष्ट्र का निर्माण हुआ, नेशन बिल्डिंग कैसे हुआ, नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। वेरिंग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इन साउथ एशिया, इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश, अ ब्रीफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो दक्षिण एशिया का जो राजनीति है, यहाँ का जो राजनीतिक अनुभव है, उसका क्या क्या अंतर है, डिफरेंसेस है, उसको भी पढ़ेंगे। बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ, बच्चों पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था, तो बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बांग्लादेश का किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के, इसके बारे में हम लोग एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। और द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत में जो आर्थिक संगठन सब है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इकोनॉमिक जो आर्थिक योजनाएँ बनती है, भारत में हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग कैसे बना, कैसे भारत टेक्नोलॉजिकल में धीरे धीरे एडवांस हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में। और रीजनल कोऑपरेशन, जैसे साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क बना, फिर साफ्टा बना, साउथ एशिया फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एसोसिएशन, ये जो चीज संगठन जो रीजनल रूप में बना है हमारे देश में, क्षेत्रता को लेकर, इन सारे संगठनों के बारे में, इनके उद्देश्यों के बारे में, इनके क्रियाकलापों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चैप्टर 8 तक बच्चों हम लोगों को ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं एक बार फिर आप लोगों को इसमें मेन चैप्टर को रिपीट कर रहा हूँ। चैप्टर 5 में गवर्निंग द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत और औपनिवेशिक राज्य का प्रशासन। चैप्टर 6 में द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेश, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कॉलोनीज। चैप्टर 7 में शीत युद्ध का युग, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। और चैप्टर 8 में बच्चों बी औपनिवेशीकरण, डी कॉलोनाइजेशन। तो ये 8, तो टोटल हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है बच्चों। जो 8 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग याद रखेंगे क्लास 12 का। हम लोग ने कल 4 चैप्टर का डिस्कस किया था। अतीत को याद करना, रिमेंबरिंग द पास्ट, फर्स्ट चैप्टर है बच्चों ये। सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था सिचुएटिंग कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म इन द 19th and 20th centuries, 19वीं और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की स्थापना। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक प्रभुता की प्रकृति, औपचारिक और अनौपचारिक साम्राज्य, द नेचर ऑफ द कॉलोनियल डोमिनेंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्पायर। चैप्टर 4 में साम्राज्यवादी सुदृढ़ता पर प्रतिक्रिया, रिएक्शन टू इंपेरियलिस्टिक हेजेमोनी। इस तरह बच्चों हम लोग 1 से 8 तक क्या क्या हम लोग को सिलेबस है, चैप्टर है, और उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और चैप्टर 9 प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। तो जिसमें चैप्टर 9 में न्यू वर्ल्ड के बारे में है, विभिन्न असहमतियों असंतुष्टियों के लिए जो आंदोलन हुआ विश्व में, उसके बारे में है चैप्टर 9 में। ये प्रोजेक्ट वर्क में हम लोगों को करना है, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो इस तरह से हमें पढ़ना है। कल से बच्चों लेसन 1 से मैं पार्ट चैप्टर 1 से शुरू करूँगा बोर्ड के साथ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको देखिए। और मैं विशेष करके सभी महानुभावों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इसको देख रहे हैं, मेरा उद्देश्य बच्चों तक इसको पहुँचाना है। केवल हमारे ही बच्चे नहीं, लोथावाड़ी हिंदी हाईस्कूल के ही बच्चे नहीं, बल्कि जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं, अगर वो इसे लाभान्वित होते हैं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे इसको सुन सके और क्लास 12 का प्रिपरेशन वो लोग बढ़िया से हिस्ट्री का कर सके। और मेरी अगर कोई कमजोरी है, कहीं मेरी असुविधा हो रही है, कहीं मेरे समझाने में कोई दिक्कतें महसूस हो कर रहे हैं आप लोग, तो सजेशन का भी मैं वेलकम करता हूँ, आलोचना का भी वेलकम करता हूँ। और कल से मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, पढ़ाने के लिए फर्स्ट लेसन शुरू कर रहा हूँ। आप लोग सभी से विदा लेते हुए
और मैंने जो पहले बताया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो शपथ, उसको एक बार याद कर लीजिएगा और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिएगा। हम भी कोशिश करते हैं अपने जीवन में उसे अपनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।